लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। श्रीदेवी की अस्थियां शनिवार को रामेश्वरम में विसर्जित की गयी। हस्बैंड बोनी कपूर कलश में अस्थियां लेकर यहां पहुंचे और रामेश्वरम के समुद्र में उन्हें विसर्जित किया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां जाह्नवी और खुशी भी साथ थीं। श्रीदेवी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए रामेश्वरम में उनकी अस्थियां विसर्जित की गई। बता दें कि श्रीदेवी का 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में निधन हो गया था। पहले श्रीदेवी की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही थी, लेकिन बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी बाथटब में डूबने की वजह से हुई। उनका पार्थिव शरीर 27 फरवरी को मुंबई लाया गया था और 28 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्रीदेवी के अंतिम संस्कार के बाद बोनी कपूर ने सभी का आभार माना था। उन्होंने कहा था, मैं अपने परिवार, दोस्तों, शुभचिंतकों और श्रीदेवी के फैंस का आभारी हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा था कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अर्जुन और अंशुला का सहयोग और प्यार मिला। वे मेरे, खुशी और जाह्नवी के लिए मजबूत स्तंभ रहे।